गाइस गुड मॉर्निंग, आज है मंडे, एक नया वीक, एक नया दिन, एक नया सूरज। आप सबको ओम साई राम। आशा करते कि हमारा सबका ये दिन अच्छा जाए और हम हर कोई अच्छे रहे और बस स्माइल करे लाइक दिस। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, 7:30 को उठी हूँ, क्योंकि रात भर मैं कोला को ORS पिला रही थी एंड वो थोड़ा सा जस्ट अभी सर उठा पा रहा है। अभी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे थोड़ी देर में, घर पे गाड़ी नहीं है। आप सबको पता है हमारे घर में एक ही गाड़ी है एंड वही गाड़ी नहीं है क्योंकि बड़ा भाई थोड़ा सा काम पे बाहर गया है सुबह, वो आ जाए तो मैं और छोटा भाई उसे लेकर जाएंगे एंड मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ का अपडेट क्या है। यहाँ पे उनका हॉस्पिटल यहीं पे है। अरे कोला थोड़ा सा उठा है। स्किन केयर करने आ गई हूँ, बहुत दिनों बाद स्किन केयर कर रही हूँ मैं। कल तो किया ही नहीं, कल बस मॉर्निंग का किया था, नाइट का थोड़ा सा भी नहीं किया क्योंकि कल ना मुझे वो स्प्रिया ही नहीं था। मेरी मम्मी का वर्ड है स्प्रिया। स्प्रिया कितना अच्छा नाम है, बट स्प्रिया का जो अर्थार्थ है, मतलब ये बंगाली एक वर्ड है, प्रिया का मतलब है इच्छा। मेरी मम्मी भी यूज़ करी है कुछ दिन पहले, सो मैंने भी यूज़ कर लिया। इसीलिए मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर तो जाना ही पड़ेगा कोला को लेकर। ड्रेस चेंज करके रख रही हूँ, जब बड़ा भाई आ जाए तो हम लोग निकल जाएंगे। ये सिरम मैं थोड़ा सा बाद में लगाऊंगी, इसके साथ सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ क्योंकि इसमें ना SPF है। मैं बहुत दिन से बोल रही थी ना जो लिप बाम मुझे नहीं मिल रहा है, तो यही है वो लिप बॉम। एक्चुअली ये बहुत एक अच्छा ब्रांड का एक्चुअली ड्यूप है, मैं वो अच्छा ब्रांड का नाम भूल गई हूँ। तो ये ब्लू हेवन का है, 85 रुपीज़ का है, सेल पे 5 रुपये कम में मिला है, 80 रुपये में मिला है। और मैंने स्ट्रॉबेरी इनका ऑलरेडी ट्राई किया है, ये बबल गम वाला वेरिएंट है, तो यही मैं लगाऊंगी। उसके पहले मैं मेरे बालों को सही कर लेती हूँ, तब तक ये भी थोड़ा सेट हो जाए और ये बाद में लगाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही मैं इसे और यूज़ नहीं करूंगी, मेरा लास्ट होगा क्योंकि मैंने आज ही इसका इंग्रेडिएंट पढ़ा। इसमें प्रोपाइल पैराबेन है और मैं आजकल पैराबेन मेरे स्किन केयर में भी मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ। पैराबेन एक कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट है। हेयर केयर की बारी, तो हेयर केयर में मैं कल एक्चुअली मैंने देख ही लिया था रिजल्ट, लेकिन कल कोला का तबीयत खराब होने के कारण मैंने ऐसे उसको ऊपर टांग दिया था। तो ये देखिए मैंने अभी तक उसका रूट पिक नहीं किया और जेल कास्ट उतना अच्छे से हुआ नहीं है। मैंने एशबा और साथ में अराटा जेल यूज़ किया था, अराटा जेल के साथ मैं थोड़ा सा अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसको हल्के से बस। यूट्यूब के लिए एक वीडियो शूट करना था जो मैंने कर लिया, मैंने ये वाला सीरम लगा इसीलिए रखा यहाँ पे, और अभी मैंने लिपस्टिक भी लगा दिया है। वीडियो शूट करना था इसी कारण अभी मैं लिप बाम लगाती हूँ, यही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। स्मेल ऐसा लगता है जैसे कोई चिंग गम हम बचपन में जो खाते थे, वैसा वाला खाते नहीं थे, चबाते थे। तो अभी छोटा भाई गया है हॉस्पिटल देखने की खुला है या नहीं, अगर खुल जाए तो अभी हम लेकर जाएंगे या फिर 9 बजे तो खुली जाएगा। इसीलिए मैं एक्चुअली कल रात भर जाके मैं आज सुबह का काम करके रखी थी कि मैं उसको ले जा पाऊँ। मुझे लगता है जहाँ तक नहीं खुला है क्योंकि छोटा भाई बहुत जल्दी आ गया है, अभी गए अभी। तो भैया बोल रही हूँ, मेरा तो भैया ही है वो। तो भाई अभी देख कर आया कि वहाँ पे हॉस्पिटल खुला है, तो मैं अभी जा रही हूँ पूछे। मेरा घर पे एक भी मास्क नहीं है, तो मैं भाई को बोली मास्क खरीद के लेकर आओ, मैं तब तक कोला को अरेंज करती हूँ। तो कोला को ये कपड़े में रैप करके लेकर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर आके बैठा हुआ है। आओ 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 हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे। बोला किचो बना। हाँ हाँ कोला का सैंपल लिया गया है, 15 मिनट पे कोला का रिजल्ट आ जाएगा और कोला सही हो जाएगा, पर है ना कोला ठीक हो जाएगा। और भाई को एक इंजेक्शन, एक दवाई, इंजेक्शन है कि क्या है मुझे नहीं पता, एक दवाई लेने भेजे है डॉक्टर ने, तो वो इंजेक्शन आ जाए, वो दवाई आ जाए तो मेरा कोला सही हो जाएगा। जहाँ तक पता चला है उसको वार्म्स हो गया है, कोई बात नहीं कोला, है ना, कोई बात नहीं, मेरे छोड़ ना बाबा। हाँ कोला का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, सलाइन। DNS चल रहा है उसको। ना 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 ना
तो कोला को दिखा दिए हैं, उसको थोड़ा सा डीएनएस दिए और कल फिर से डीएनएस होगा। उसका जो सैंपल रिपोर्ट आया है उसमें ये आया है कि उसमें बहुत ज़्यादा वॉर्म्स है, तो डीवॉर्मिंग अभी नहीं होगा, वो जब तक कुछ खाता पीता नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा एक्टिव रहना है शायद। डॉक्टर ने इसीलिए बोला कि आप कल लेकर आइए या फिर दो दिन बाद उसका शायद डीवॉर्मिंग होगा और कल उसको फिर से डीएनएस देना पड़ेगा। तो थैंकफुली अभी वो आने के बाद थोड़ा सा तो चल फिर रहा है। और पता है वहाँ पे छोटे छोटे कुत्ते को देखा तो भौंक रहा है, बड़ा कुत्ता मुझे फिर डर रहा था, तो उसका आवाज़ भी पहली बार हमने सुना है, ऐसे में वो कुत्ता आवाज़ नहीं करता। तो मैंने पूछा कि वो आवाज़ नहीं करता, तो उन्होंने कहा कि कोई कोई कुत्तों में जेनेटिक डिफेक्ट ही होता है और मे बी उनके मदर फादर को किसी को तो ये प्रॉब्लम था होगा, तो उसको भी हो गया होगा, तो ये जेनेटिक बीमारी है। और होपफुली अभी हमारा कोला सही हो जाए। मैं ऐसे ही गई थी, देखो सच धज के, कोई ऐसा सोचेगा कि अपने डॉग को कोई हॉस्पिटल लेके आए इतना सच धज के, लेकिन मैं गई थी क्योंकि मैं तो वीडियो शूट कर रही थी ना। तो ठीक है चलो, कोला का ट्रीटमेंट हो गया, मुझे बहुत राहत मिला। मैंने ये पूछा कि वो सीरियस कंडीशन तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और वो सही हो जाएगा। कल मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब वो कुछ खा नहीं रहा था ना, बहुत ज़्यादा मतलब चिंता हो रही थी मुझे उसकी, लेकिन थैंकफुली अभी हमारा कोला सही है एंड वो सही हो भी जाएगा। जितना भी बीमारी है वो सही हो जाएगा। अभी मम्मी उसको थोड़ा सा खाना देने वाली है। मैंने पूछा कि वो क्या खा सकता है, वहाँ पे जो थे उन्होंने हमें बोला है कि वो आप जो नॉर्मल खाते हो वही उसको दो। और मैंने ये भी पूछा कि वो तो यहाँ वहाँ पे जाके खा लेता है तो उसका क्या करें, उन्होंने बोला कि थोड़ा दिन उसको बांध के खिलाइए, देन उसका आदत पड़ जाएगा। तो ठीक है अभी यही सब फॉलो करेंगे। राहत मिल रहा है मुझे, पता है मैं सुबह से पानी तक नहीं पी, अभी पानी पीती हूँ मैं। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, आज टायर्ड लग रहा है। मैं अभी नहा के आती हूँ, आज मैं वो शू वाला नहीं करूँगी, नहा कर आती हूँ फिर मिलती हूँ ठीक है। और उससे पहले मुझे कोकोनट ऑयल लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा आईलाइनर लगाया था, हटाऊंगी सबको, लिपस्टिक तो हट ही गया है और बहुत गर्मी भी है। चलो नहा कर आके मिलती हूँ मैं। तो आज खाने में है दाल, लौकी और झींगा का एक करी, बैगन और कंतोला फ्राई, ये है फिश करी एंड है चावल। शाम के बज रहे 5 और अभी तक मुझे नहीं मिला है चाय, 5:30 एक्चुअली मिल बज गया है, चाय नहीं मिला अभी तक। और मैं खाना खाने के बाद आपसे थोड़ा सा ही बात नहीं करी आज ना, सुबह नींद नहीं हुआ, रात को भी नींद नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरा दिन थोड़ा सा चिची 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 कर रही थी। अभी थोड़ा सही लग रहा है। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखा है, अगर आप गाना सुनते हो ना आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, तो मैं भी खाना खाने के बाद अच्छा अच्छा गाना सुन सुन के मैंने काम किया एंड नाउ आई एम प्रिटी वेल। नाउ कोला का थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके आती हूँ कि कुछ पानी वानी, देखो खाना रख के गई थी, कट राइस गई थी, थोड़ा सा भी नहीं खाना, कोला पानी पियो, पानी पियो, पानी उनको अगर खाना लेके दे रहे तो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, बस यहाँ पे था पानी भी वहाँ पे चले गया, थोड़ा सा पानी पिलाने का कोशिश करती हूँ। दुबला हो गया एक दिन में, मन के आराम में थोड़ा चाय पी लेती हूँ नीचे बैठ के इस ग्रीन ग्रीन पत्तियों को देख के। ऑफिस का काम फिनिश होके आधा घंटा हो गया, आधा घंटा में मैं, छोटा भाई, मम्मी हम लोग बातें कर रहे थे ऐसी यहाँ वहाँ का बातें। और अभी जाके मम्मी गई है खाना पकाने, अभी जस्ट गई है, और शायद छोटा बड़ा भाई शायद क्या बना रहे हैं वो, हाँ क्या बना रहे हैं बड़ा भाई, क्या आवाज़ क्या कर रहा है, हाँ पॉट, अच्छा फ्लावर पॉट का जो छेद करते हैं ना वो कर रहा है। कोला अब तक वैसा ही है, कल फिर से उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है कि वो कुछ भी नहीं खा रहा है, ऐसे खाना दे रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है। तो मेरा आज पूरा दिन ही एक्चुअली, मैं भी थोड़ा सा बीमारी मुझे लग रहा था हॉस्पिटल से आके, स्पेशली मैं एक्चुअली ना वो सब देख नहीं पाती हूँ, इंजेक्शन सलाइन मुझे बहुत देखने से आई डोंट नो कि वो दिल पे बेचैनी होती है। पूरा दिन मेरा आज चिड़चिड़ रहा साथ पे, मुझे उसे हॉस्पिटल से आए मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस मैं यही बोल रही हूँ कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी अभी मुझे बोल रही कि जब से तू हॉस्पिटल से आई यू आर नॉट फीलिंग गुड आई गेस, तो वही हुआ है। तो कल शायद मम्मी और छोटा भाई जाएंगे, लेकिन मुझे उसको साथ जाना भी है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाती हूँ। तो जब पेन में कोई होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, वैसा कुछ इंजेक्ट वाला, मतलब मुझे फोबिया है वो,
बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे इसमें क्या है उसमें क्या है, लेकिन जिसके साथ होता है ना वो समझ पाता है कि वो फोबिया कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको। वही वो है मुझे, तो कल भी उसको सलाइन लगने वाला है वही वाला जो मैंने आपको बोला है, और साथ पे कल उसका डीवॉर्मिंग, भाई कल उसका डीवॉर्मिंग होगा ना, डीवॉर्मिंग होगा। बहुत ज़्यादा भूख लगा है तो मैं अभी ये, इससे हम लोग रात को खाना खाने वाले थे लेकिन अभी मैं खा रही हूँ, मुझे एक्सट्रीम भूख लगा है। मम्मी खा लू, खा लू, गुस्सा हो जाएगी क्यों, क्यों गुस्सा हो जाएगी, ज्यादा मत खाओ। मैं दोपहर से कितना कम खा रही हूँ पता, मुझे मन ही नहीं कुछ खाने का। ये देखिए मेरे लिए राइस वाटर रखा जा रहा है, ये डब्बे में मेरे लिए राइस वाटर रखा जाता है, फर्मेंट होता है, मैं नेक्स्ट दिन यूज करती हूँ। कितना दिन का है मम्मी, और 2 दिन का है ना, अच्छा ये सुबह का है और दोपहर का भी है। ये देखिए कोची का चादर कितना अच्छा लगता है, ये रूम को ना एकदम ढेंचैक बना देता है, इसमें सोने से ऐसा लगता है कि शांति मिलेगा, मस्त लग रहा है ना, कोची की याद दिला देता है। भाई ने ये मुझे लाकर दिया, ये कहाँ से है, TSG होटल एंड रिसोर्ट, और मुझे अचानक से लगा कुछ तो अच्छा आया होगा, और मैं उस एक मतलब 30 सेकंड में मैंने बहुत कुछ ख्वाब देख लिया था, और मेरा ख्वाब देखो पत्थर लाया कोता दिया से वो एक्चुअली पॉट बना रहा है, देखा पॉट किधी बने थे, DIY पॉट, ये एक्चुअली वो जो वाटर कैन होता है ना वही है, होल्स बनाया देखो, क्लीन नहीं किया जस्ट होल बनाया, कहाँ पे होल नहीं बनाया क्या, अच्छा साइड से बना दिया है, फिर मिट्टी डालेगा प्लांट लगाएगा तो ऐसा बहुत सारा वो बनाते रहता है। ख्वाब इसके अंदर जा रहा है, ये गाना मेरे लिए सूट होता है, मैंने बहुत कुछ सोचा था उसके अंदर, मैंने सोचा था कि अभी वो कुछ तो लाया है अच्छा सा, ভাই এরকম করবি না, সত্যি আমার এখনো 30 সেকেন্ডের হ্যাপিনেস কষ্ট দিচ্ছে। কোন মশলা, কোন মশলা, মা মামি আপনা সিগনেচার ডিশ বানা রিয়ে উইচ ইজ সরসো পেস্ট কে সাথ আন্ডা, মামি কা সিগনেচার ডিশ কাহাঁ সে সিখা, মামি কাহাঁ সে সিখা, আপনি ক্রিয়েটিভিটি, আরে 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 আরে, इसके अंदर उन्होंने नारियल भी डाला है, आज अलग कुछ बनेगा, खा पाएंगे, जिंदा रहेंगे। मम्मी तनिया को ना, तनिया अगर कुछ खाना बनाती थी तो हम लोग ऐसा बोलते जिंदा रहेंगे। तो जस्ट खाना खा के आई हूँ, मम्मी ने अंडा विद मस्टर्ड एंड उसके अंदर आज कोकोनट डाल के बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी हुआ था, लेकिन मेरा जो तबीयत है मुझे बिल्कुल भी आज सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मैं व्लॉग बनाऊँ, तो आज मैं कोई भी और व्लॉग नहीं बनाऊंगी। आई नो कि आज का व्लॉग में मैं एफर्ट्स नहीं डाल पाई, लेकिन दैट्स ऑल अबाउट डेली व्लॉगिंग, मैं हर दिन के व्लॉगिंग में मैं नए नए एलिमेंट्स नहीं ला सकती, वट एवर विल हैपन इन माई लाइफ वही मैं आपको दिखा सकती हूँ। सो आई एम सो सॉरी फॉर टुडे कि मैं खुद को आज फिट नहीं रख पाई, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ पे नहीं था, अगर होता तो मैं शायद अच्छे से और रखती खुद को। कोला भी यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा वो चलने गया है, तो वो अभी तक कुछ खाया नहीं, तो कल सुबह फिर से उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, ठीक है। सो अपडेट ये है कि कोला अभी यहाँ पे नहीं है, कोला अभी अंकल के मतलब हमारे जो ओनर है उनके वहाँ पे उसको लेकर गए हैं, और वहाँ पे भी उसको खाना दिया गया है लेकिन वो थोड़ा सा भी खाना नहीं खा रहा है। तो मम्मी और छोटा भाई अभी उसका यूरिन एंड उसका जो स्टूल है उसमें देखने के लिए गए हैं कि क्या उसमें ब्लड है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था क्योंकि ये शायद बहुत सीरियस कंडीशन है अगर उसमें ब्लड आता है तो छोटे भाई ने बोला कि उसको डाउट है, तो मम्मी वही कंफर्म करने के लिए भी गई है। तो ना मतलब जब तक वो कोला सही नहीं हो जाएगा ना, मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसे अंदर से कुछ खाया जा रहा है कि हमारे लिए सब कुछ है ना, ऐसे एनिमल्स के लिए सच में मतलब कितना कम कुछ है, और उसे कोई छोड़ के गया है, मतलब मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में भी जो अटेंडर थे वही बोल रहे थे कि इसीलिए इसको छोड़ के गए हैं क्योंकि उसमें डिफेक्ट है। लेकिन ऐसा इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है, वो एकदम छोटा में नहीं आया था, मतलब एकदम जब छोटा था तब वो नहीं आया था, वो अच्छा खासा बड़ा हुआ तो तभी आया था, और वो ना हर वक्त खाता बहुत था लेकिन वो कभी भी उसके बॉडी वैसा हटा कटा नहीं होता था,
तो मुझे भी सब कुछ शायद लग रहा है कि ये शायद रीज़न है कि वो जो इंसान है जो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, शायद ये सारे रीज़न के लिए। ऐसे प्लीज़ मत करो, प्लीज़। मतलब उसकी माँ से दूर किया और उसके बाद उसको इस हालत पे छोड़ दिया। यहाँ पे तो हम लोग हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको तो कोई भी रेस्क्यू नहीं करते हैं, और उसके बाद उसका क्या हाल होता है, तो सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो कैसा लगेगा। मुझे सोच के ही ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है सच में। कंफर्म हुआ है कि उसके यूरिन में ब्लड नहीं है, और ये एक अच्छी बात है। तो कल ठीक है हॉस्पिटल लेके जाएंगे और देखते कि आगे क्या बोलते हैं उसको। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अभी जस्ट फेस धोऊंगी और मैं सो जाऊंगी। आज मैं ब्लॉग भी एडिट नहीं कर रही हूँ, और कल मतलब मंगलवार 7 जुलाई को कोई भी ब्लॉग नहीं जाएगा। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप लोग खुश रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपना देखभाल करिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं लवली 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 फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।